सर क्या कुछ है मामला जो कल रात को गोली चली है? जी हमारे पास सुबह करीब करीब ये 4 बजे के आसपास हमारे पास गाभा हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई एक दीपक कुमार है रामपाल का, दीपक पुत्र रामपाल जाति वाल्मीकि निवासी 314 नंबर है मकान नंबर, लाजपत नगर यमुनगर का, कि इसको यहाँ जगाली रोड पे रेस्ट हाउस के नियर अबाउट एक करीब 50 मीटर दूर मेन रोड पे इसको गोली लगी है और गोली लगने के कारण ये गाभा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमारे यहाँ से आईओ गए हैं जो सूचना पे, और जब वहाँ जाके इससे डॉक्टर साहब से पूछा कि इसको गोली गर्दन में एक साइड से लग के एक क्रॉस हो रही है गोली, हालत अभी इसके नाजुक हैं, और तो हमने जब इससे पूछा डॉक्टर साहब ने कहा भी ये बयान दे सकता है बोल सकता है, हमने इसके बयान अंकित किए। इसने बयान में अपने बयानों में लिखवाया कि मेरे को रिंकू महेंद्र उर्फ रिंकू है जो कि वाल्मीकि बस्ती है जगाधरी का, उसने मुझे गोली मारी है। इनका एक्चुअल में कोई जो ये पालतू सुअर वगैरह इनके है उनका इनका बिजनेस है कोई, उसको लेके इनको ये था इसको रिंकू को भी कभी ये चोरी सूर चोरी करने के लिए आ रहे हो, उस बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है और उस झगड़े के बीच में इनका रिंकू ने इसको गोली मारी है, जिससे अभी हमने रिंकू को तो ट्रैक आउट किया है और अभी इससे गहनता से पूछताछ चल रही है। बाकी देखते हैं इसमें कौन कौन लोग और हैं शामिल, जो भी इसमें शामिल हो गए जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे उसको गिरफ्तार करेंगे जल्दी से जल्दी। पूछताछ के दौरान कोई पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है? इनकी कुछ काफ़ी दिनों से जो ये सुअर का इनका बिजनेस है, काफ़ी दिनों से इनकी आपस में रंजिश है पुरानी, वो इन पर एलिगेशन लगाते हैं कि हमारे सुअर को चोरी करते हैं, और वो ये कहते हैं जी हम तो माता पटियाला गए जा रहे थे अपनी माता का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से ये कह रहे कि हम अपनी माँ को वापस दोबारा ले जाने के लिए हम वापस आ रहे थे, रास्ते में ये खड़े हुए थे जहाँ के इन्होंने इसको गोली मारी है, और पुरानी रंजिश की है कोई पिछली काफ़ी दिन से पुरानी रंजिश। कौन सी जगह गोली मारी गई है? ये जो अपना जगाधरी अम्बाड़ा रोड है अपना रेस्ट हाउस से थोड़ा आगे चल के जो ये नारियल की झुग्गी वो है झोंपड़ियाँ नारियल की, वहाँ पर इनका झगड़ा हुआ है, वहाँ ऑन रोड पे ही इन्होंने गोली मारी है इसको। तो सर करीब समय कितने बजे का रहा होगा? ये करीब करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना सामने आ रही है कि 2 से 2:30 बजे के बीच इनका झगड़ा हुआ है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन करीब 4 बजे आई है हॉस्पिटल से, और आईओ भी मेरे पहुँचे, मैं तुरंत खुद मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, मौके पर गया हूँ ऑन द स्पॉट, और इससे पूछताछ कर रहे हैं, इसको ट्रैक आउट किया है हमने रिंकू को, इससे पूछताछ कर रहे हैं असला बरामद करने को, बाकी कौन कौन आदमी है इसमें उनको भी जल्दी जल्दी राउंड अप। तो क्या कार्रवाई की जाएगी इसको? हमने अभी आज इसको गिरफ्तार कर रहे हैं रिंकू को, और बाकी इसमें इससे पूछताछ कर रहे हैं हम, गहनता से हमारी टीम लगी हुई है, और भी जितने आदमियों को नाम सामने आएंगे जो भी जैसे कि कंप्लेनर ने लिखवाया कि 7-8 आदमी थे, तो जितने भी आदमी इसमें होंगे जिनके नाम सामने आएंगे जो इसमें दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो सर जिस शख्स को गोली लगी है अभी के लिए वो कहाँ पर है शख्स? अभी वो गाभा हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है, डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, अभी वो उसका ऑपरेशन चल रहा है, गोली जो गर्दन के अंदर फंसी हुई थी उसको निकाल रहे हैं, और अभी हालत फिलहाल तक तो ठीक है, बाकी देखो आगे। तो सर आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी आरोपी के खिलाफ हमने FIR उसके बयान पे FIR दर्ज कर दिया जी, 307, 148, 149, 343, 323, 307 और 2554 Arms Act के तहत FIR दर्ज कर दी है, और रिंकू को हमने ट्रैक आउट भी किया है, बाकी इससे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, और जो जो भी नाम सामने आएंगे उनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जगाधरी सिटी थाने से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस शख्स ने दीपक के ऊपर गोली चलाई थी उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जगाधरी का रहने वाला निवासी रिंकू गागट, जिसने 22 वर्षीय दीपक के ऊपर गोली चलाई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया है, आगे के लिए कार्यवाही की जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वही रिंकू गागट है जिसने 22 वर्षीय दीपक के ऊपर गोली चलाई, आगे के लिए हालत काफ़ी नाजुक है। तो तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी रंजिश के चलते दीपक के ऊपर गोली चलाई गई थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा रिंकू गागट को हिरासत में ले लिया गया है, कार्यवाही लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं अपने यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सर क्या कुछ है मामला जो कल रात को गोली चली है? जी हमारे पास सुबह करीब करीब ये 4 बजे के आसपास हमारे पास गाभा हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन आई थी
कि भाई एक दीपक कुमार है रामपाल का, दीपक पुत्र रामपाल जाति वाल्मीकि निवासी 314 नंबर है मकान नंबर, लाजपत नगर यमुनगर का, कि इसको यहाँ जगाधरी रोड पे रेस्ट हाउस के नियर अबाउट एक करीब 50 मीटर दूर मेन रोड पे इसको गोली लगी है और गोली लगने के कारण ये गाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमारे यहाँ से आईओ गए हैं जो सूचना पे, और जब वहाँ जाके इससे डॉक्टर साहब से पूछा कि इसको गोली गर्दन में एक साइड से लग के एक क्रॉस हो रही है गोली, हालत अभी इसके नाजुक हैं, और तो हमने जब इससे पूछा डॉक्टर साहब ने कहा भी बयान दे सकता है बोल सकता है, हमने इसके बयान अंकित किए, इसने बयान में अपने बयानों में लिखवाया कि मेरे को रिंकू महेंद्र उर्फ रिंकू है जो कि बाल्मीकि बस्ती है जगाधरी का, उसने मुझे गोली मारी है, इनका एक्चुअल में कोई जो ये पालतू सुअर वगैरह इनके है उनका इनका बिजनेस है कोई, उसको लेके इनको ये था, इसको रिंकू को भी कभी ये चोरी सूर चोरी करने के लिए आ रहे हो उस बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े के बीच में इनका रिंकू ने इसको गोली मारी है, जिससे अभी हमने रिंकू को ब्रेकआउट किया है और अभी इससे गहनता से पूछताछ चल रही है, बाकी देखते हैं इसमें कौन कौन लोग और है शामिल, जो भी इसमें शामिल हो गए जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठे हों उसको गिरफ्तार करेंगे जल्दी से जल्दी। पूछताछ के दौरान कोई पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है इनकी, कुछ काफ़ी दिनों से जो ये सुअर का इनका बिजनेस है काफ़ी दिनों से इनकी आपस में रंजिश है पुरानी, वो इन पे एलिगेशन लगाते हैं कि हमारे सुअर को चोरी करते हैं, और वो ये कहते हैं जी हम तो माता पटियाला गए जा रहे थे अपनी माता का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से ये कह रहे कि हम अपनी माँ को वापस दोबारा ले जाने के लिए हम वापस आ रहे थे, रास्ते में ये खड़े हुए थे जहाँ के इन्होंने इसको गोली मारी है, और पुरानी रंजिश की है कोई पिछली काफ़ी दिन से पुरानी रंजिश। कौन सी जगह गोली मारी गई है? ये जो अपना जगाधरी अम्बाला रोड है अपना रेस्ट हाउस से थोड़ा आगे चल के जो ये नारियल की झुग्गी वो है झोंपड़िया नारियल की, वहाँ पर इनका झगड़ा हुआ है, वहाँ ऑन रोड पे ही इन्होंने गोली मारी है इसको। तो सर करीब समय कितने बजे का रहा होगा? ये करीब करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना सामने आ रही है कि 2 से 2:30 बजे के बीच इनका झगड़ा हुआ है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन करीब 4 बजे आई है हॉस्पिटल से, और आईओ भी मेरे पहुँचे, मैं तुरंत खुद मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, मौके पर गया हूँ ऑन द स्पॉट, और इससे पूछताछ कर रहे हैं, इसको ट्रैक आउट किया है हमने रिंकू को, इससे पूछताछ कर रहे हैं असला बरामद करने को, बाकी कौन कौन आदमी है इसमें उनको भी जल्दी जल्दी राउंड। तो अब सर क्या कार्रवाई की जाएगी इसको? हमने अभी आज इसको गिरफ्तार कर रहे हैं रिंकू को, और बाकी इसमें इससे पूछताछ कर रहे हैं हम गहनता से, हमारी टीम लगी हुई है, और भी जितने आदमियों को नाम सामने आएंगे जो भी जैसे कि कंप्लेन लिखवाया कि 7-8 आदमी थे, तो जितने भी आदमी इसमें होंगे जिनके नाम सामने आएंगे जो इसमें दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो सर जिस शख्स को गोली लगी है अभी के लिए वो कहाँ पर है शख्स? अभी वो गाबा हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है, डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, अभी वो उसका ऑपरेशन चल रहा है, गोली जो गर्दन के अंदर फंसी हुई थी उसको निकाल रहे हैं, और अभी हालत फिलहाल तक तो ठीक है, बाकी देखो आगे। तो सर आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी जी? आरोपी के खिलाफ हमने FIR उसके बयान पे FIR दर्ज कर दिया है जी, 307, 148, 149, 341, 323, 307 और 2554 के तहत FIR दर्ज कर दी है, और रिंकू को हमने ट्रैक आउट भी किया है, बाकी इससे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, और जो जो भी नाम सामने आएंगे उनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। एक और जिला यमुनानगर में फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि जिला यमुनानगर के लाजपत नगर का रहने वाला निवासी दीपक, जिसकी उम्र 22 साल की है, वो नगर निगम में कूड़ा करकट उठाने का काम भी करता है, और रात को अपने बड़े भाई के साथ अपनी गाड़ी से पटियाला काली माता के मंदिर में दर्शन के लिए गया था। दर्शन करके जब वापस लौट रहा था तो जगाधरी SDM कोर्ट के पास 3 अज्ञात लड़कों ने उसके ऊपर गोली चलाई। गोली जो है वो गर्दन पर लगी है। आगे की मेडिकल सर्विस के लिए उसे जिला यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में ले जाया गया है, और जिस हमलावर ने गोली चलाई है वो जगाधरी का रहने वाला रिंकू गागट है, जिसका नाम सामने
सामने आ रहा है, कोई पुरानी रंजिश का मामला भी सामने आ रहा है। आगे का पूरा मामला जानने के लिए क्या कुछ सच्चाई है, किस बात को लेकर गोली चलाई गई है दीपक के ऊपर, इन पूरे मामलों को जानने के लिए जो सिटी SHO जगाधरी से सुभाष जी हैं उनके साथ भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और जिस हमलावर ने रिंकू गागट ने गोली चलाई है उसके जो बड़े भाई हैं उनके साथ भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसके चलते हुए दीपक के ऊपर, जिसकी 22 साल की उम्र है, लाजपत का रहने वाला निवासी है, उसके ऊपर गोली चलाई गई है। आगे के लिए ऑपरेशन भी हो चुका है और हालत जो है काफ़ी अभी नाजुक बताई जा रही है। तो पूरे मामले के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, अपील है पूरे मामले को जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर लाइव बने रहें। तो सर, आपके भाई ने जो गोली चलाई है कल रात को मिलिट्री ग्राउंड में, तो क्या है वो पूरा मामला? मैडम, क्या हुआ, रात को मेरे भाई के पास फ़ोन आता है ठेले वाले का कि यार रात को आपके स्कूल उठाने के लिए कोई चोर आया वहाँ पे। तो वो घर से निकलता है अपना साला लेकर के लाइसेंस ही है। तो जैसे वहाँ जाता है, उस वहाँ पे जाके देखता है कि वो अपनी इनोवा गाड़ी लेके सुरों को पकड़ रहे थे। जैसे उनको रोका, उसने सामने से अपनी गाड़ी लाई बहुत तेज़ी से मारने के लिए। वो जैसे अपने बचाव करने के लिए बाइक को वो मोड़ने के लिए साइड में करने लगे, तो छोटे वाले भाई ने अपने रिवाल्वर निकाली हवा फायर करने के लिए। तो बाइक मोड़ते मोड़ते वो हाथ छटक गया, जिसकी वजह से गोली वो शीशे में सीधे लगी। अब ये नहीं पता गोली उसके कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी, या मैं नहीं पता ना उसको पता। तो आपके भाई को किसने इन्फॉर्म किया था कि वो आपके जानवर उठा रहे हैं, चुरा रहे हैं? वो जो बाहर ठेले वाले बैठे होते हैं ना रात को अपनी ठेले पर, वहीं सोते हैं वो उसको कई सालों से जानते हैं, उनकी कई बार मदद भी की है भाई ने छोटे। तो उन्होंने बताया भाई प्रधान जी ऐसे बात है, आपके जानवर को उठाने के लिए लड़के आए हैं, 5-7 लड़के हैं और वो आपके सुअर उठा रहे हैं, आप आके देखो एक बार। तो हथियार लिए थे ने, बल्कि उन्होंने हथियार भी ले रखे थे अपने। जैसे मतलब उनके पास वो बात करने गया, उन्होंने ना पहले तो लाठी डंडे गंडासे वगैरह निकाली, फिर उन्होंने देसी कट्टे वगैरह होते हैं जो वो निकाले अपनी, उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे वो अपनी हवाई फायर करने लगे, उन्होंने सामने से गाड़ी चढ़ाई पहले। तो जब वो गाड़ी चढ़ाने में कामयाब नहीं हुए, तो अपने सेल्फ डिफेंस में छोटे भाई ने जैसे ही रिवाल्वर बाहर निकाल के हवा में फायर करने लगे, तो गाड़ी एकदम से हिल गई। बाइक इतनी, स्कूटर मुझे नहीं पता, तो उनका हाथ उससे वाइब्रेट हो गया और गोली सामने चल गई या कहाँ लगी मुझे नहीं पता। क्या नाम है आपके भाई का? उनका नाम रिंकू। रिंकू है, पूरा नाम क्या है? उनका नाम महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार, तो कोई पुरानी रंजिश का मामला भी सामने आ रहा है? मैडम, ऐसा है, ये जो लड़का है, ये जो चोर का गिरोह है, इनका जो फादर है बुग्गे नाम से है, वो कम से कम पिछले 15-20 साल से उसका ये चोरी का काम है। वो हरियाणा की, नॉट ओनली हरियाणा बट ऑल ओवर पंजाब, हिमाचल, यूपी, दिल्ली तक उसने डकैती की है चोरों की। तो उसके ऊपर अभी लास्ट कोई एक साल पहले की बात है, यूपी के सहारनपुर में पकड़ा गया था वो। वहाँ उसके पास से असला बरामद, वहाँ की यूपी पुलिस ने उसको पकड़ा था, उस पर FIR दर्ज हुई है। वो वहाँ कम से कम 15-20 दिन रहा भी है वो। उसकी FIR की कॉपी और उसकी असली उसकी फ़ोटो वगैरह जो भी खींची थी वहाँ पर, वो सारा प्रूफ हमारे पास है। जहाँ जहाँ के उसके पर्चे दर्ज है उसकी हमारे पास कॉपी पड़ी है। हम अपने सफाई के लिए कोर्ट में पेश करेंगे, यहाँ पे भी दिखाएंगे। तो पहली बार आपके जानवर चुराने का प्रयास किया गया? नहीं नहीं मैडम, पहली बार नहीं मैडम, लगातार पिछले कम से कम ये 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं। कई बार आमना सामना हुआ है। तो इसके खिलाफ आप दरखास्त भी दे? मैडम, कई बार दरखास्त दी है, उस पर कार्रवाई, कुछ पे कार्रवाई हुई कुछ पे नहीं हुई। पकड़ा जाता है, जमानत कराता छूट जाता चला जाता, फिर दोबारा चोरी कर लेता है। ऐसा भी है। तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील करूंगा मैं कि जो भी निष्पक्ष, इस केस में जो भी निष्पक्ष जांच हो वो की जाए। सिर्फ एक पक्ष की बात ना सुन के दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की जाए वो भी ठीक नहीं है मैडम। जो भी लीगल जो कार्रवाई बनती है, जो भी छानबीन होती है, उसको किया जाए। लेकिन सर, रंजिश के चलते किसी के ऊपर फायरिंग करना क्या सही है? नहीं मैडम, आपकी बात ठीक है, वो ये फायरिंग करना सही नहीं है। लेकिन मैडम, इंसान अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कानून की धारा 100 में भी कहा गया है, अगर आपको लगता है आपकी जान पे कोई आफत आ रही है, आपकी जान खतरे में है, तो आप सबसे पहले हवाई फायर करें। उसके बाद आपको लगता है अगर नहीं है आपके बचने का जान है, तो आप सामने वालों को शूट कर सकते हैं अपनी तो जान बचाने के लिए। तो बचाव हो गया, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता मैडम? उसके बारे में कह सकते हैं, तो वक्त की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वक्त की बात हो गया।
तस्वीरें आपको दिखाई हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जिस दीपक के ऊपर गोली चलाई गई है, आगे के लिए गाबा हॉस्पिटल में वो एडमिट है, ऑपरेशन हो चुका है, हालत लेकिन अभी भी काफ़ी नाजुक है। और जिस हमलावर ने रिंकू गागट ने गोली चलाई है, जगाधरी पुलिस के द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया है, आगे के लिए कार्यवाही की जा रही है। और कहीं ना कहीं परिवार के जो लोग हैं वो भी इंसाफ की जो है मांग कर रहे हैं। आगे की पूरी जानकारी के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मंदीप कर की रिपोर्ट।